दोस्तों, साहस लाइफ में एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है। किसी के भी जीवन में अगर आप साहस रखते हो तो आप बड़ा से बड़ा काम कर सकते हो दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम एक आपको स्टोरी सुनाने वाले हैं, कहानी सुनाने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी में एक अहम रोल अदा करेगी दोस्तों। दोस्तों, बहुत पहले समय की बात है, एक बार किसी राज्य में एक राजा राज करता था। एक दिन हुआ क्या कि वो राजा अपने महल की सफाई करवा रहा था। सफाई करवाने के दौरान दोस्तों उसने अपने महल में कुछ सुंदर गुलदस्ते रखे हुए थे। उनका एक जो सेवादार था वो सफाई करते करते अचानक उसका हाथ उस गुलदस्ते से लग जाता है और गुलदस्ता फर्श पर गिर के चटक जाता है, उसके टुकड़े हो जाते हैं। ये देख करके जो राजा होता है उस राज का दोस्तों, उसको बहुत ही गुस्सा आती है, बहुत ही क्रोधित होता है। वो तुरंत इतना क्रोधित होता है कि तुरंत उस सेवादार को मृत्युदंड देने का निर्णय ले लेता है। जब ये बात उस जगह पर उस महल में उस राज्य में रहने वाले एक वृद्ध व्यक्ति को पता चलती है तो जैसे ही उसने ये बात सुनी कि उसको मृत्युदंड दिया गया है, वो तुरंत राजा के पास आता है और राजा से बोलता है कि इन टुकड़ों को मैं जोड़ दे सकता हूँ। और उन टुकड़ों को जोड़ करके वो उसको यूं ही बना देता है जैसे वो पहले रहता है। लेकिन इसके बाद जो वृद्ध व्यक्ति होता है वो देखता है कि राजा के महल में और ढेर सारे गुलदस्ते रखे हुए हैं। वो अपने डंडे से दोस्तों उन सारे गुलदस्तों को तोड़ देता है, तोड़ देता है। ये देख करके राजा को और भी क्रोध आ जाता है। राजा कहते हैं कि तुमने क्या कर दिया मूर्ख, तुम्हें ये नहीं पता है कि जो काम तुमने किया है इसके लिए तुम्हें और भी बड़ी सजा हो सकती है, तुमको मृत्युदंड मिल सकता है। ये बात सुनकर के वृद्ध व्यक्ति कहता है कि महाराज, मैंने जो किया मुझे इसका बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, क्योंकि आप सेवादार को गुलदस्ता तोड़ने की वजह से आपने उसको मृत्युदंड दिया। उसके हिसाब से तो आपके महल में 29 गुलदस्ते रखे हुए हैं, इन 29 गुलदस्तों को अगर किसी से भी तोड़ेंगे तो आप 29 लोगों को मृत्युदंड दे सकते हैं। मैंने इंसानियत का काम करते हुए उन 29 लोगों के प्राण बचा लिए हैं जिनको आप मृत्युदंड दे सकते हैं। जैसे ही राजा ने यह बात सुनी और उसने ये भी कहा वृद्ध भक्त ने कि मुझे कोई अफसोस नहीं महाराज, अगर आप मुझे फांसी देना चाहे तो आप दे दीजिए, मुझे कोई अफसोस नहीं, लेकिन मैंने एक नेक काम किया है, मैंने इतने लोगों की जान बचाई है, मुझे इस बात की ज्यादा खुशी है। ये सुनकर के राजा का दिल पिघल जाता है और उनको पछतावा होता है अपने जो उन्होंने सजा सुनाई थी। और ये सुनकर के वृद्ध भक्त की बात सुनकर के राजा ने उसके मृत्युदंड को भी वापस ले लिया और उसने उस सेवादार को भी छोड़ दिया। दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर हम अपने लाइफ में साहस रखते हैं, धैर्य रखते हैं, तो हम बड़े से बड़ा काम भी कर सकते हैं। और अगर हम किसी गलत काम को होते हुए देखते हैं और उस काम का बिना डरे, बिना किसी डर के, बिना किसी शक के अगर हम उसका विरोध करते हैं तो निश्चित है हम कई लोगों की जान बचा सकते हैं और हम उस व्यक्ति के फैसले को भी बदल सकते हैं जो व्यक्ति क्रोध में आकर के इतना बड़ा फैसला ले सकता है। तो लाइफ में हमें साहस रखना चाहिए, साहस से काम करना चाहिए, साहस लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप साहसी हैं, अगर आप साहस रखते हो तो आप दोस्तों बड़ा से बड़ा काम कर सकते हो। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी और वीडियो में किसी और कहानी के साथ, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।